हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि। तो आज की रेसिपी है मेथी के पराठे। इनको बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, ये पराठे मुझे बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली मैं चाय के साथ इन पराठों को एंजॉय करती हूं। और ये पराठे जो हैं, मेथी के पराठे हैं, तो बहुत हेल्दी भी होते हैं साथ में, और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हेल्दी पराठा है ये, और इनको किस तरह से बनाते हैं, आइए इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेथी ले लिया है। तो मेथी मैंने लगभग लिया है 500 ग्राम, और थोड़ा सा मेथी यहाँ पे मैं कट करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से आपको इनको तोड़ना है। तो पत्तियों को तोड़ लेना है, आगे का जो डंठल वाला पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, वो भी आपको थोड़ा सा आगे से तोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। तो लगभग यहाँ पे मैंने सारी पत्तियों को तोड़ लिया है, और अब इसके बाद इन पत्तियों को हम लोगों को धुल लेना है, और वो बहुत ही ध्यान से धुलना है ताकि सारी गंदगी पत्तियों की निकल जाए। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है गहरा, उसमें पानी डाल लिया है, और इन पत्तियों को अब हम लोग उसमें डाल लेंगे। पत्तियों को पानी में अच्छे से हिला लीजिए, और सारी गंदगी पत्तियों की जो है पानी में आ जाए मेथी की। इसके बाद हम लोग एक प्लेट में इन पत्तियों को निकाल लेंगे। यही प्रोसेस आपको 2 से 3 या 4 बार भी आप कर सकते हैं। जितनी बार आप वॉश करेंगे पत्तियाँ उतनी ही साफ़ होंगी, क्योंकि इसमें गंदगी काफ़ी रहती है। और यहाँ पे मैंने एक बार आपको पानी में ऐसे वॉश करके दिखा दिया है। यही चीज़ आपको 4 से 5 बार करना है। इसके बाद ये पत्तियों को हम लोग छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, क्योंकि कट करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि पराठे में जो ये पत्तियाँ हैं बड़ी बड़ी खाने में दिक्कत ना करें। तो इनको अगर आप कट कर लेंगे तो पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और खाने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने प्लेट में ही कट कर लिया है, हाथों में इकट्ठा करके मेथी को। तो ये पत्तियाँ छोटी छोटी हो गई हैं। अब हम लोग इसके बाद एक ममजस्ते में मैंने डाल लिया है अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और 5 से 6 हरी मिर्च, इसका मैंने कूट के पेस्ट बना लिया कुछ इस तरह से। और अब हम लोग इसका डो बनाएंगे सब मिक्स करके। तो यहाँ पे लगभग मैंने गेहूँ का आटा जो एक बड़े बर्तन में 300 ग्राम ले लिया है, और बड़ी कटोरी से 2 कटोरी लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद कसूरी मेथी डाला है 1 चम्मच लगभग क्रश करके हाथों से, और धनिया पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। इसके बाद मोइन के लिए मैंने देसी घी डाला है 2 चम्मच। इससे पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। और अब इसके बाद जो हमने कूट के अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट रखा था वो डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो पराठे में नमक बहुत हल्का ही रखना है। इसके बाद जो मेथी के पत्तियां मैंने कट करके रखी थी वो डाल देंगे आटे में ही। और अब जो है हम लोग हाथों से ये सारी चीजें आपस में मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। जब ये मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी हाथों में लेते हुए, छींटा देते हुए, इसका हम लोग एक हार्ड डो बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये पत्तियाँ बाद में पानी छोड़ देती हैं, तो अगर आप डो थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे तो बाद में ये डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, एक लोई मैंने कट कर ली है, और हाथों में इस तरह से गोल घुमाते हुए, और इस पे मैंने सूखा आटा लगा दिया है। अब इसका एक रोटी की तरह हम लोग इसको बेल लेंगे कुछ इस तरह से। एक बार और आटा मैंने सूखा लगा लिया है इस पे, और फिर से बेलेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है कुछ इस तरह से। आप इसको हाथों से पूरी रोटी पर फैला दीजिए, और चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए, और हाथों में फिर से इसको लेके एक गोल लोई बना लीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जो पराठे हैं आपके और भी खस्ता बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे देसी घी लगा देने से। तो फिर से मैंने इसे बेल लिया है, और अब गर्म तवे पे इसे मैंने रख दिया है। इसका साइड चेंज कर लेंगे और देसी घी लगा देंगे। तो ये देसी घी मैंने चारों तरफ से लगा दिया है, और इसका साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी लगा दिया है। पराठे पक रहे हैं, और बारी बारी करके मैंने जितना डो बनाया था सबका पराठा बना लिया है इसी तरह से। तो ये देखिए, पराठे बनके तैयार हैं, कितना सॉफ्ट बना है, और बहुत ही टेस्टी
पराठे बनके तैयार हुए हैं और काफ़ी हेल्दी पराठा भी होता है। तो दोस्तों ये पराठा आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इस स्टाइल से, और अगर पराठा सही बनता है तो अपना फीडबैक जो है मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।